बिहार के युवक और युवतियों के लिए एक बड़ी खबर है। बिहार के युवकों और युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं लाई है। आपको बता दें कि नीतीश कैबिनेट से पास हो चुकी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून से लागू करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बिहार के युवक और युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का काम पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए चल रही 2 योजनाओं के लिए नए सिरे से आवेदन होगा। 1 जून से लॉन्च की जा रही 4 योजना मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शामिल है। उद्योग विभाग 4 विशेष नई उद्यमी योजनाओं में 8,000 लोगों को 10-10 लाख रुपए का कर्ज देगा। इन योजनाओं में विशेष रूप से सिर्फ बिहार के युवकों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को लोन दिया जाएगा। इन लोगों के लिए इन 4 योजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ये समूची योजनाएं बैंकों से संबंधित नहीं होंगी। इन योजनाओं का क्रियान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। इसमें लोन लेने के लिए किसी तरह की प्रतिभूति या गारंटी की जरूरत नहीं होगी। ये विशेष प्रोत्साहन योजनाएं केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए होंगी। अपर मुख्य सचिव के नेतृत्व में बनी समिति तय करेगी कि उद्यमी को संबंधित कार्य या उद्यम के लिए कितना लोन दिया जाए। प्रत्येक योजना में जिलों की आबादी के अनुपात में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बिहार में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए नौजवान के पास ये बड़ा अवसर है। कोरोना काल के दौरान कई लोग बड़े शहरों से पलायन करके लौटे हैं। उनके पास भी अगर अपना काम शुरू करने की इच्छा है तो वह भी सरकार की मदद से उद्यमी बन सकते हैं।